एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जॉडियक रीडिंग में हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसे रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि, नाइन ऑफ कप्स, आपकी शफलिंग बहुत ज्यादा स्मूथ हो रही है। ये चैरियट, टेन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे तो सब कुछ है, यहाँ पे आपकी लाइफ में कैरियर में भी ग्रोथ है, आपकी लाइफ में प्यार भी है, आपकी लाइफ में फैमिली का भी सपोर्ट है। सो ओवरऑल ये मुझे ऐसा लग रहा है इससे कंप्लीट हैप्पीनेस को आप लोग फील कर रहे हो इस वीक। और यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स और दी चैरियट कार्ड मुझे कह रहे हैं जैसे आपने कोई गोल डिसाइड किया था, आपकी लाइफ में कोई एम आपने डिसाइड करा था, वो आप लोग अचीव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो मैनिफेस्टेशन में कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप लोग एक ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो सारी मुझे यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बात आपसे बोलूं, अगर आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर ईगो क्लैशेस की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपस में लोगों में बन नहीं पाती, सारे फैमिली मेम्बर्स आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अच्छी नहीं हो पाती, तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए जाइए और अपना पॉइंट उनके सामने रखिए, अपनी बात को कहने से हेजिटेट मत होइए। बस यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने कहने का ना तरीका आप लोग अच्छा रखिएगा, यानी कि अगर आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो बोलिए इस तरीके से ना कि ऐसा ना लगे सामने वालों की कि आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो। जस्ट आपको स्मूथली अपना पॉइंट उनके सामने रखना है। अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हो, आपको कुछ पसंद नहीं है, सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप क्लियरली कम्युनिकेट करें। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप लोग एक न्यू फेज पे एंटर कर रहे हैं आप लोग की लाइफ के। अगर आप लोग जॉब भी कर रहे हैं तो जैसे आप लोग अपने काम करने का तरीका बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग बिजी रहने वाले हैं इस वीक, बहुत ज़्यादा आप लोग काम करने वाले हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, सो मैं आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हुए देख रही हूँ। आई नो आप लोग ऑलरेडी होंगे, बट यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि और बेहतर तरीके से आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। समटाइम्स आपको ऐसा फील ना हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कि अपनी कह नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे मैं कहूँ कि ऐसा नहीं करना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप लोग अपने थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर लो। अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करना यानी कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, वो आपको आना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, सो बहुत पेशेंस आप लोगों में आते हुए देख रही हूँ, बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करते हुए मैं आपको देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में सही भी नहीं चल रही थी ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आप उनसे टैकल कर रहे हो, एक सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो। यहाँ पे ये वीक है आप लोग जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं ना, आप उन्हें साइड कर रहे हो और सोच रहे हो ठीक है प्रॉब्लम्स तो हैं बट इनका सोल्यूशन क्या है। सो यहाँ पे आप बेसिकली मुझे सोल्यूशन पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो और बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो। अगर कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है ना आपकी लाइफ में, आप उसे फिर भी पॉजिटिवली डील करोगे। मुझे बहुत अच्छी आप लोग की एनर्जीज लग रही हैं। इस डेक से भी आप लोग के लिए कुछ एडवाइस ले लेती हूँ। जेमिनी, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सो बोलने में ऐसे ही हो रहा है। कम्युनिटी, ऑल टाइड अप, ओके। यहाँ पे कम्युनिटी अगेन मुझे वही मैसेज दे रहा है कि अपनी फैमिली का ख्याल रखें। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आप लोग टाइम नहीं दे पाते हो आपके घर वालों को या फिर आपके लव वंस को, आपके पार्टनर आपसे इस बात से झगड़ते हो, या बेसिकली यहाँ पे मुझे टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है कि इस वीक आपको थोड़ा सा टाइम के मैनेजमेंट से चलना है। ऐसा नहीं करना कि सारा आप अपना आपके कैरियर पर लगा दो टाइम, तो आपकी फैमिली के लिए आप
आपके लव्ड वन के, आपके रिलेशनशिप के लिए आपके पास टाइम नहीं रहे, सो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा कार्ड यहाँ पे ऑल टाइड अप का है, सो ये मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, बट अपने रेस्ट का भी ख्याल रखिएगा। आपको प्रॉपर रेस्ट की भी नीड है, प्रॉपर टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, सो प्रॉपर शेड्यूल से काम करिएगा। ऐसा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से अपनी हेल्थ खराब कर लो, अपने खाने पीने का आप लोग ध्यान नहीं रखो, डाइट अपनी टाइम पर लीजिएगा। तो शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल होना, डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन मैं दूसरों के लिए नहीं कह रही हूँ, आपके खुद के लिए होना कि ये आपके खाने का टाइम है सो आप उस टाइम पर खाना खा रहे हैं या नहीं, ये आपके सोने का टाइम है सो आप उस टाइम पर सो रहे हैं या नहीं। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जीज में देखूँ एग्जॉस्ट ना हो, आप में आगे काम करने के लिए भी एनर्जीज बरकरार रहे। कुछ और एडवाइस ले लेती हूँ आप लोग के लिए। जेमिनी मिथुन राशि, डोंट बैक डाउन। ओके, सो अभी मैंने एक और रीडिंग करी थी, उसमें ये कार्ड आया था और काफी सिमिलर सी एनर्जीज हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि आपको जो ठीक लगता है आप उसके लिए स्टैंड लीजिए। अगर आपकी फ्लेम कहीं बुझ गई थी, यानी कि आपका काम करने का जो पैशन है आपके अंदर, आपके वर्क के लिए जो पैशन है कहीं बुझ गया था, तो उसे बरकरार रखें, उसे बनाए रखें। दूसरी चीज़ यहाँ पे वही मैंने कहा ना कि आपके लाइफ में इस वीक आप लोग प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचोगे, उनके सोल्यूशन पे आप लोग वर्क करोगे। सो यहाँ पे ये कार्ड अगेन वही कह रहा है कि जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी आपका पॉइंट है, उसे क्लियरली लोगों के सामने रखें, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए अगर आप अपनी बात कह रहे हैं तो, और दूसरों को भी आपको यहाँ पे समझना है। बाकी यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सो दूसरे लोग आपकी बात से इन्फ्लुएंस होने चाहिए। आपको पॉजिटिविटी फैलानी है, फैलानी है, इट मीन्स कि स्प्रेड करनी है लोगों के अंदर भी। अगर कोई डिमोटिवेट हुआ पड़ा है अपनी लाइफ में, परेशान है, सो उन लोगों की हेल्प भी आपको करनी है, उनको मोटिवेट भी आपको करना है। सो ये काम आपका है। ओके, जैसे यूनिवर्स ने आपको बोला है ना, आप में कैपेसिटी है कि आप दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हैं। सो अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस रीडिंग के लिए इतना ही, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।